सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 353वें प्रकाश पर्व पर कैंप एक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब से विशाल कीर्तन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा क्षेत्र के विभिन्न जगहों से होती हुई सेक्टर 6 गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में समाप्त हुई। पूरे 11 वर्ष के बाद कैंप एक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब को गुरु गोविंद सिंह के 353वें प्रकाश पर्व पर कीर्तन यात्रा निकालने का मौका मिला है। यह मौका किसी भी गुरुद्वारे के लिए गौरव की बात माना जाता है, क्योंकि हर गुरुद्वारे को यह मौका 11 वर्ष बाद मिलता है। इस मौके पर भिलाई दुर्ग के सभी गुरुद्वारे की संगत ने अपना योगदान दिया। इस विशाल कीर्तन में गुरु गोविंद सिंह के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। यात्रा की विशेष बात यह रही कि जगह जगह पर इस कीर्तन का स्वागत और सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। इसी बीच भिलाई के मुस्लिम समाज द्वारा भी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अखाड़े द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े, सुनील सोनी की संयुक्त रिपोर्ट। चल रहा है, सुख मिलता है। तो आपके चरणों में विनती है कि पालकी साहब के पीछे आकर के नगर कीर्तन सभा में उनकी कृपा करा दी। राज साहब के पीछे के चरणों में विनती है कि पालकी साहब के पीछे उनकी कृपा करा दी। गुरु के पीछे लग गया ही हर मनोकामना पूरी हो जाए और नगर कीर्तन सभा हो। अपने पिताजी को, माता जी को और सारे बच्चों को कुर्बान किया। आज भारत ने जो भी सर्व धर्मों का समान मान सम्मान है वो गुरु की कुर्बानियां में चलते ही है। वरना एक समय था जबकि किसी को भी catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।